यहाँ पे है ना एक सेटअप बनाने का सोच रहा हूँ कबूतरों का। यहाँ पे इस साइड पे क्या हो रही है, मुंह पे यार सोइलिंग हो रही है इतनी बुरी तरह से यार, क्या बताऊँ मैं आपको। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों अभी है ना मैं मास्टर केज में खड़ा हुआ हूँ, और आपको पता होगा दोस्तों कल है ना हमारे जो फैंसी कबूतर हैं जो हम न्यू लाए थे जहांगीराबाद से अभी लाए थे, उन्होंने है ना अंडे दे दिए थे। एक अंडा दिया हुआ था दोस्तों, लेकिन आज है ना उन्होंने दूसरा अंडा भी दे दिया यहाँ पे, और हमें ये देखना था कि यार वो अंडों को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। और माशाल्लाह यार उन्होंने है ना अंडों को एक्सेप्ट भी कर लिया है। देखिए यहाँ पे वो अंडों को फीमेल है ना इनक्यूबेट भी कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यार, आपको नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि पीले कलर की है और पीले कलर की पेटी है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है ना इसने अंडों को मतलब इनक्यूबेट करना भी शुरू कर दिया है। हम सोच रहे हैं दोस्तों ये है ना अंडों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, मतलब ये है ना अंडों को सेकेगी नहीं, क्योंकि नहीं जगह है इसके लिए, और इसने हर कई अंडे दिए थे हमें लग रहा है, लेकिन इसने यार ये अपनी मर्जी से यहीं पर अंडे दिए थे, और ये अपने अंडों को इनक्यूबेट भी कर रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है ये अंडों को इनक्यूबेट नहीं करेगी और छोड़ देगी अंडों को, लेकिन यार माशाल्लाह से यार ये अंडों को इनक्यूबेट करना शुरू कर दिया है इसने। यहाँ पे देख सकते हैं यार, यहाँ पे ये अपने अंडों पे है ना बैठ चुकी है, दोनों अंडे दे दिए हैं इसने, और दोनों अंडे देने के बाद अब ये अंडों को सेकना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं इसका मेल सेकता है या नहीं सेकता, अभी तो फीमेल है ये, और फीमेल तो अंडों को माशाल्लाह यार इनक्यूबेट कर रही है, तो शायद इनमें से जल्दी जल्दी इनके प्यारे प्यारे है ना येल्लो येल्लो बच्चे भी निकल के आ जाएंगे। और इनका मेल तो यार काफ़ी बीमार भी है, तो हमने है ना उसको क्या करा था लेसन दिया था यार अभी, कुछ भाइयों ने दोस्तों टैबलेट भी बताई थी, तो टैबलेट भी हम लेके आ जाएंगे और उसे टैबलेट भी दे देंगे। तो अभी इसे है ना सर्दी हो रही है, तो अभी लहसुन भी बताया था कुछ भाइयों ने, तो हमने है ना इसे लहसुन दे दिया है जिससे यार इसकी सर्दी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो हमने तुरंत तो है ना लहसुन घर में था तो वो जल्दी से खिला ही दिया है। तो दोस्तों इसे हो क्या रहा है, दोस्तों ये है ना चोंच खोल के है ना सांस ले रहा है, मतलब है ना नाक से सांस नहीं ले पा रहा है, ये चोंच से सांस ले रहा है अपनी, जिससे यार इसे दिक्कत हो रही है, सर्दी है इसलिए इसे ऐसा कर रहा है ये। तो हमने है ना लहसुन तो खिला दिया है और बाकी कबूतरों को भी लहसुन खिला दिया है, क्योंकि अभी है ना मौसम थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन अभी तो है ना गर्मी लगने लगी है, तो लहसुन है ना सबको नहीं खिलाऊंगा मैं अभी, इसको और लहसुन खिला दूंगा मैं लाके अभी। तो यहाँ पे दाना डाल दिया है हमने, पानी भी रख दिया है इनके लिए। और दोस्तों एक चीज़ और बताना थी मुझे आपको, जो कि है यार ये जो हमारे वाइट कबूतर के बच्चे हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रही है, मुँह पे यार सोइलिंग हो रही है इतनी बुरी तरह से यार, क्या बताऊँ मैं आपको। तो इसको यार क्या देना चाहिए, और इसके माँ बाप है ना फीडिंग भी नहीं करा रहा है हमारे कबूतरों को, पता नहीं क्या है यार फीडिंग ही नहीं कराते यार बच्चों को अपने, पता नहीं क्यों हमने चने वने खिलाए हैं यार दोस्तों, ये फीडिंग वीडिंग कराते नहीं है, और सोइलिंग अलग हो रखी है। देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन भी आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसके हम ऊपर क्या लगाएं, ये कौन सी बीमारी है, ये क्या हो रहा है दोस्तों यार आप बता दीजिएगा दोस्तों, कि हमारे कबूतरों के पता नहीं क्या यार ये हमारे कबूतरों खुद, देखिए इतना सारा दाना पड़ा हुआ है यहाँ पे, इतना दाना है ना यहाँ पे बिछा पड़ा है, लेकिन है ना खुद तो पेट भर के खा लेंगे लेकिन अपने बच्चों को है ना एक दाना भी नहीं खिलाएंगे, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं ये। कुछ दिन तो अच्छे से खिलाते हैं और फिर ये है ना वैसे ही करने लगते हैं, दाना वाना नहीं खिलाते हैं ये। तो आपको है ना इसका सॉल्यूशन भी बताना है हम क्या करें जिससे हमारे कबूतर अच्छे से बच्चे पालने लगे। और हमारे है ना एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, एक चीज़ और हुई है हमारे सेटअप पर जो कि है ये, देखिए अभी शिराजी ने यहाँ पर अंडे दिए हुए थे, और अंडों का हाल देखिए आप, एक अंडा हो रखा है पूरा ख़राब, ये तो है ना ख़राब ही है, देखिए यहाँ पर पूरा क्रैक में रहकर रखा है और कुछ भी नहीं है, हल्का पड़ा हुआ है दोस्तों बिल्कुल ही। और यहाँ पे दूसरे अंडे की हालत आप देखिए क्या हो रखी है, बच्चा इसमें से निकल भी नहीं पा रहा है, आधा बना हुआ है या पूरा बना हुआ है पता भी नहीं है, इसमें मक्खी भी झूम रही है यार दोस्तों। ऐसी ऐसी जगह अंडे देते हैं और अंडों की हिफाजत ये करते नहीं है, इनक्यूबेट करते नहीं है ढंग तरीके से, फिर अंडे देते ही क्यों यार, पता नहीं क्या इनका मसला है दोस्तों यार, बच्चे सही से नहीं पाल रहे हैं ये। इससे अच्छा तो हमारे जंगली कबूतर पाल लेते हैं, आपको पता होगा जंगली कबूतर से हमने यार ये बच्चा पलवाया था माशाल्लाह यार, देखिए कितना अच्छा पाल के रखा है उनने, और ये इनसे यार कुछ भी नहीं होता, ये कबूतर यार सिर्फ दिखावे के ही लग रहा है मुझे तो यार, पालते मालते है नहीं ये बच्चे, पता नहीं क्या करते हैं यार। और दोस्तों अब बाकी हम देखते हैं यार बच्चे बच्चे निकलते हैं या नहीं निकलते, संडे में से यार हम बच्चा हम खुद से नहीं निकाल रहे हैं, ये यार कबूतर खुद से निकालेंगे क्योंकि वो अध बना हुआ बच्चा है। तो देखिए इसकी फीमेल आ चुकी है हमारी है ना शिराजी फीमेल, और पता नहीं यार ये अंडों को ध्यान क्यों नहीं रखते हैं यार, अंडों को है ना इनक्यूबेट क्यों नहीं करते हैं ढंग से, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे कबूतर है ना अच्छे से बच्चे पालने लगें, अच्छे से अंडे इनक्यूबेट करें और अच्छे से बच्चों को खाना माना खिलाएं। तो ऐसा कुछ होता हो तो दोस्तों बताइएगा, पहले तो हमारे है ना काफ़ी अच्छे पालते थे यार कबूतर बच्चे, लेकिन अब पता नहीं नज़र लग गई क्या हो गया या फिर मुझे तो पता नहीं चल रहा क्या मसला हुआ है दोस्तों, और बीमारी भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, उस बच्चे को भी सोइलिंग हुई पड़ी है मुँह पर, तो उसका भी रीज़न मुझे नहीं पता है। तो एक तो अच्छी चीज़ हुई अंडों को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक यहाँ पे बच्चा निकल रहा है, लेकिन यार वो बच्चा निकल ही नहीं पा रहा है, आधा बना हुआ लग रहा है मुझे, तो मैं उसको छेड़ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो यार वो मर जाए, तो इनके माँ बाप ही है ना उसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे है ना यहाँ पे ये अंडा है ना एक तो ख़राब ही हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चे को सोइलिंग हो रखी है, और दाना भी नहीं खिलाया, दाना हमने खिला दिया है अभी, एक बच्चा ठीक है हमने दाना खिला दिया है, और दूसरे बच्चे के मुँह पर सोइलिंग हो रखी है, तो पता नहीं उसे ठीक कैसे करे यार। अभी तो है ना मैं सोच रहा हूँ विक्स लगा दूँ, लेकिन कुछ और मसला ना हो जाए इसलिए मैं विक्स भी नहीं लगा रहा हूँ अभी। तो हम कमेंट बॉक्स में बताना है कि यार हम क्या करें ऐसा जिससे यार वो बच्चा ठीक हो जाए।
और यहाँ पे इनको भी बंद कर दिया है हमने। ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हाँ दोस्तों 6 के 6 ये हमारे, ये 6 है हमारे पास, तो 6 के 6 को बंद कर दिया है। मेरे नीचे छोड़ते हैं इसलिए मैं गिनने लगा हूँ आजकल। और यहाँ पे है ना इनको भी खाना वाना खिला के यहाँ पे बंद कर दिया है डक से बच्चों को हमारे, और ये बाहर से लगाया। चलो इसे खोलते हैं हम जल्दी से और बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों हमने ना हमारे मास्टर केज का तो अभी दाना पानी कर दिया है अच्छे से, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें यार इसके अंदर बुरी बुरी हो रही हैं। हमारे पिंजरे के साथ तो अभी कुछ बुरी चीज़ नहीं हो रही है माशाल्लाह यार, लेकिन है ना यहाँ पर है ना कुछ दिक्कत आ रही है। अंडे के साथ भी दिक्कत आ रही है, बच्चों के साथ भी दिक्कत आ रही है, और बस यही मसला है। हमारा एक कबूतर भी बीमार है यार, तो आपको है ना दुआ करना यार ज़रूर से ज़रूर कि यार ये सब ठीक हो जाए जल्दी जल्दी यार, हेल्दी हो जाए, तो आप दुआ कीजिएगा यार दोस्तों। और बाकी तो सब ठीक ही है, लेकिन बस यही दिक्कत है यार अंडों की, और वो कबूतर बीमार है, और बाकी एक बच्चे को यार सॉइलिंग हो रखी है उसकी दिक्कत है बस मुझे तो यार, उसकी टेंशन हो रही है। और बाकी तो हमने दाना पानी कर ही दिया यहाँ का, और अभी है ना यहाँ पे हमारी वाइल्ड वाली मुर्गी रहती है जो कि अभी नीचे घूम रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाने लगी हैं आजकल, मुझे पता ही नहीं है अभी, तो बाहर जाके देखूंगा मैं उन्हें, ढूंढूंगा फिर ऊपर लेके आऊँगा। और बाकी हमने है ना हमारे यहाँ पे 2 मुर्गी बंद कर दिए हैं, और यहाँ पे एक असील मुर्गी के साथ ये हमारा चूज़ा देसी वाला, और वो देसी मुर्गी का पेयर भी हमने बंद कर दिया है यहाँ पे। तो अभी ये सब तो हो चुके हैं बंद, बस हमारी वाइल्ड वाली मुर्गी रहती हैं फार्म वाली मुर्गियाँ। और यहाँ पे देखिए हमारी डक्स भी अभी यहाँ पर रहती हैं, डक्स भी यहाँ पे इस घर के अंदर नहीं है, तो डक्स को भी लाना है मुझे। और यहाँ पे ये 2 अंडे आए हैं हमारे पास अभी जो कि ऊपर ही मिले हैं, तो हमने उठा के यहाँ पर रख दिए हैं। और यहाँ पर मुर्गियाँ देखिए हमारे पास कितनी हैं, 1 2 3 4 मुर्गियाँ होने के बाद हमारे पास 2 अंडे आए हैं, और 2 हमारे पास फार्म वाली हैं। तो फार्म वाले ने नीचे दिया था अंडा, नीचे 1 अंडा दिया हुआ था उसने फार्म वाली ने, तो 3 अंडे आए हैं हमारे पास आज टोटल। और मुर्गियाँ आए हमारे पास 1 2 3 4 और 2 फार्म वाली 5 6 मुर्गियाँ आए दोस्तों हमारे पास, और 6 मुर्गियाँ होने के बाद भी हमारे पास अंडे आते हैं 3, मतलब यार 3 मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही हैं इसका मतलब यही है। और अभी बाकी तो कुड़क पे है, नहीं तो और ज़्यादा अंडे आते हैं, क्योंकि हमारे 4 मुर्गियाँ तो कुड़क पे ही है। 1 2 और एक और कहाँ गई, ये रही और एक वो रही हमारी चितली वाली, 3 असील की हैं और 1 देसी वाली है। तो ये सारी है ना कुड़क पे भी हैं हमारी, और इनके बच्चे भी हैं, 2 के साथ 1 बच्चा है, और बाकी इसके साथ 4 है, और उसके साथ 3 है, 1 डक का बच्चा है उसके साथ, देसी वाली के साथ, हमारी देसी वाली के साथ 3 बच्चे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 1 बच्चा दिख नहीं रहा है दोस्तों, लेकिन इसका भी देखता हूँ दोस्तों, वो देखिए वो बैठा हुआ है खा पी के यहाँ पे बैठा हुआ है। ये 3 बच्चे इसके साथ है हमारी देसी वाली मुर्गी के साथ, और बाकी है ना 4 बच्चे हैं हमारी असील के साथ, 1 बच्चा है ये ब्लैक वाला इसके साथ, 1 येलो वाला बच्चा है उसके साथ, और यहाँ से हमारा असील मुर्गा देखिए अकेला बैठा हुआ है। अभी इसके साथ कोई भी असील मुर्गी नहीं है, क्योंकि सब है ना अपने अपने बच्चों को पाल रही है इसीलिए। तो दोस्तों अभी है ना हमने हमारी एक असील मुर्गी को यहाँ पे बंद कर दिया है, क्योंकि ये है ना सुबह अपने आप नीचे कूद गई थी जल्दी जल्दी, इसलिए नीचे कूद जाती है ये, सुबह ज़्यादा जल्दी कूद गई तो इसे कुत्ते मुत्ते ले आएंगे अकेला देख के, इसीलिए है ना मैंने इसे आज बंद कर दिया है। कल तो ये खुली हुई थी, और यहाँ से साइड खींच देते हैं, काफ़ी जगह रह गई है। ये देखिए दोस्तों इसके बच्चे निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मुर्गी नहीं निकल पाएगी ना जब तक बच्चे भी नीचे नहीं कूदेंगे, नहीं तो है ना क्या करती है ये अपने बच्चों को भी नीचे कूदा लेती है 1 बच्चे को, और फिर कुत्ते मुत्ते ले आने का डर रहता है क्योंकि अकेली रहती है ना ये। और दोस्तों अभी है ना मैं यहाँ पे है ना एक सेटअप बनाने का सोच रहा हूँ कबूतरों का, यहाँ पे इस साइड पे, जब मैं आपको है ना कबूतरों का भी ऊपर दिखा भी नहीं रहा हूँ ज़्यादा, मैं जाता ही नहीं हूँ ऊपर, तो अभी मैं ये कर रहा हूँ कबूतरों को पर बंधे हुए हैं वैसे भी, देखा के भी क्या करते हैं हम बाहर लाते हैं बस, और दाना डालते हैं और फिर अंदर कर देते हैं इसीलिए। और यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ दोस्तों, अभी है ना कबूतरों का एक सेटअप बनाते हैं, हमारे ऊपर वाले कबूतरों को जो उड़ने वाले कबूतर हैं उनको बना देते हैं हम जंगली कबूतर, मतलब ऐसे छोड़ देते हैं फालतू छोड़ देते हैं उन्हें हम यहाँ पे है ना अपनी मर्ज़ी से जो करना है उन्हें करेंगे, इससे यार क्या होगा बच्चे भी अच्छे पालेंगे। वो जंगली कबूतर ने देखा होगा आपने कितने अच्छे बच्चे पाले हैं, तो इस तरह से हमारे कबूतर भी है ना यहाँ पे अच्छे बच्चे पालेंगे। और हम ऐसा सेटअप कैसे बनाएंगे आपको बताऊंगा दोस्तों, और जिसको भी है ना कबूतर पालने की शुरुआत करना है या फिर कबूतर पालना कैसे पालते हैं शुरू में, वो भी पता चल जाएगा इस अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे मैं वही बनाने वाला हूँ। तो अभी है ना कुछ चल रही है यार प्रोसेस उसकी, तो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर है ना मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे हम कैसा घर बनाने वाले हैं कबूतरों का हमारे। तो बस यार यही थी आज की वीडियो दोस्तों, अभी है ना हमारे सेटअप पे जो भी बुरी चीज़ हो रही है उसके लिए आपको दुआ करना है कि यार वो ना हो, और हमारे कबूतर का बच्चा अच्छे से निकल जाए शिराजी कबूतर का, और वो अच्छे से बच्चे पालने लगे। तो मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।